बेटा मम्मा मेरा चश्मा देखा क्या? सुबह सुबह शुरू हो गया पापा, कब छुटकारा मिलेगा इनसे पता नहीं। मेरे को चश्मा कहीं नहीं मिल रहा है, तू ही ढूंढ के दे देना। क्यों सुबह सुबह परेशान करते हो पापा, अब खुद ही ढूंढ लो ना। मेरा चश्मा यही तो रखा था, कहाँ गया होगा, दिख नहीं रहा है, चश्मा कहाँ गया होगा। बाबा अपने नाक में दम कर रखा है, क्यों सबको परेशान करते रहते हो आप? यही सामने तो रखो, अपना चश्मा खुद संभाल कर नहीं रख सकते? अहमद की मम्मी, पापा का चश्मा जरा ढूंढ के तो देना। पापा जी का रोजगार अमन, एक दिन का थोड़ी ना है, तुम ही ढूंढ करके दो। मैं भोजन बना रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। और हाँ, जल्दी ढूंढ कर दो, वरना वो सामान इधर उधर कर देंगे, मेरा काम और भी बढ़ा देंगे। मैं ना उससे कब छुटकारा मिलेगा इनसे पता नहीं। अपने चश्मे इधर उधर रखकर सबको परेशान करते रहते हो आप, यही सामने तो रखा है चश्मा। पापा अब सच में अंधे हो गए हो, ले लो। पापा पापा एक मिनट मुझे नहीं आ रहा है, आप कर दो ना पापा। बेटा तू ही कर ले, तू खुद करेगा, तू ही सीखेगा, है ना? चल प्रयास कर जा। हाँ पापा। Bye.
तू भी तैयार हो जा और साथ में टिफिन भी ले जाना। अम्मा की मम्मी मेरा चश्मा कहाँ है, जरा ढूंढ के तो देना। अरे वही कहीं होगा, ढूंढ लो ना बेटा। अम्मा बापूजी का चश्मा ढूंढ कर दे देना। तो पापा ये आपका लूज क्या काम है, लगता है आप सचमुच अंधे हो गए। ये सामने तो रखा है चश्मा, पता नहीं आपसे कब छुटकारा मिलेगा। रोहन एक क्या तरीका हुआ भरोसे बात करने का, क्या तुम स्कूल में यही सब सीखते हो? स्कूल में नहीं पापा, मैं तो ऑफिस से सीखा हूँ। मेरी जरा से गिरने पर आपको कितना टेंशन हो? टेंशन मतलब आपका प्यार ही है ना पापा, आपके पापा भी आपको बचपन में ऐसे ही प्यार करते होंगे ना। बेटा माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते, क्योंकि माता पिता तो अल्लाह की दी हुई नियामत है, उनका हमें आदर करना चाहिए और उनके कदमों के नीचे जन्नत है। दादाजी आप भी तो मेरे पापा के पापा हैं ना, वो आपके आदर क्यों नहीं करते? पापा